सो हेलो गाइस एंड दिस योर फ्रेंड आरवीएस एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं द ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 200 वर्सेस केटीएम ड्यूक 125 का। तो चलिए गाइस आरंभ करते हैं। तो ये रही भाई न्यू केटीएम ड्यूक 200 एंड ये रही न्यू केटीएम ड्यूक 125। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है E20, यानी ये बाइक OBD2 वर्जन वाली बाइक है एंड इस बाइक में आपको BS6 फेस 2 कंप्लाइंट इंजन मिलता है एंड ये भी भाई अपडेटेड बाइक है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है E20। तो सबसे पहले गाइज इन दोनों बाइक का मैं आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ। सो गाइज जो KTM Duke 125 है इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,06,000 रुपये एंड जो Duke 200 है इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,30,701 रुपया, यानी ऑलमोस्ट 2,31,000 रुपया इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है। तो चलिए गाइस दोनों बाइक के लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ड्यूक 200 को तो भाई बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है एंड अब आपको ड्यूक 200 में 390 के जैसा लुक मिल जाता है। वहीं भाई जो ड्यूक 125 है ये पूरी की पूरी अब यूनिक बाइक हो गई है, मतलब इसका जो लुक है भाई किसी अदर ड्यूक से सिमिलर नहीं है। जैसे कि ड्यूक 250 हो गया, ड्यूक 390, ड्यूक 200 वैसा नहीं है भाई, ड्यूक 125 अब एकदम यूनिक बाइक हो गया है। अगर आपको ऐसा लुक चाहिए तो सिर्फ आपको ड्यूक 125 में ही मिलेगा एंड वही जो ड्यूक 125 है इसमें आपको LED DRL प्लस हेलोजन लाइट मिलता है, वहीं जो ड्यूक 200 है इसमें अब आपको भाई पूरा का पूरा LED हेडलाइट मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं KTM ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ड्यूक 200 के लिए एंड मे बी आने वाले दिनों में ड्यूक 125 में भी हमें LED लाइट देखने को मिल जाए। ऐसा करे भाई KTM की लुक यही रखे, बस इसमें LED लाइट मिल जाए बस। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सो अगर बात की जाए ड्यूक 200 की तो इस बाइक में आपको 200cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन मिलता है जो 25 PS की पावर जनरेट करती है एंड 19.2 Nm का टॉर्क एंड इस बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है एंड इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। वहीं गाइस अगर बात की जाए ड्यूक 125 की तो इस बाइक में आपको 124.4cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन मिलता है जो 14.5 PS की पावर जनरेट करती है एंड 12 Nm का टॉर्क एंड इस बाइक में भी आपको 6-speed गियरबॉक्स मिलता है बट इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। तो ये डिफरेंसेस है भाई दोनों बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस में। आपको ड्यूक में ज़्यादा पावर मिलता है, वहीं जो ड्यूक 125 है इसमें आपको कम पावर मिलता है एंड ड्यूक 200 में अब आपको LED हेडलाइट मिल जाता है, वहीं जो ड्यूक 125 है इसमें आपको हेलोजन लाइट मिलता है। सो गाइस जो KTM ड्यूक 200 है इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, वहीं जो KTM ड्यूक 125 है इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। एंड अगर बात की जाए दोनों बाइक की माइलेज की तो भाई माइलेज में ड्यूक 125 आ गया है, इसमें आपको कम से कम भाई 38 से 40 KMPL का माइलेज मिलता है, यानी 38-40 KMPL का माइलेज आराम से बाइक दे देती है। वहीं जो ड्यूक 200 है इसका माइलेज भाई इससे बहुत ज़्यादा तो लो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा बहुत लो है। सो गाइस जो दोनों बाइक का मेन डिफरेंसेस था वो मैंने आपके सामने रख दिया, बाकी जो अदर थिंग्स है वो सेम है। दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में USD फॉक मिल जाता है एंड रियर में आपको मोनोसक सस्पेंशन मिलता है एंड दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बट जो KTM ड्यूक 200 है इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है एंड जो KTM ड्यूक 125 है इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। तो एंड गाइस जो दोनों बाइक का डिस्क ब्रेक का सेक्शन है वो भी सेम है, दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है एंड रियर में आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है एंड दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में MRF का टायर मिल जाता है, फ्रंट एंड रियर में आपको MRF का टायर मिलता है एंड टायर का जो सेक्शन है वो भी सेम है। दोनों ही बाइक में आपको फ्रंट में 130/70 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता है एंड रियर में आपको 150/60 सेक्शन का टायर मिलता है। एंड अगर बात की जाए टैंक की तो दोनों ही बाइक में आपको 13.5 लीटर यानी 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।